नमस्कार किसान भाइयों, बेस्ट ज्ञान पॉइंट बी चैनल पर आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं सिंजेंटा के कवच फंगीसाइड के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, इसका छिड़काव आप कौन कौन सी फसल में कर सकते हैं, इसका टेक्निकल नाम क्या है, इसकी कीमत क्या है और फसल में इसका डोज क्या है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो के नीचे दी गई लाल कलर की बटन को दबा दें, वो बगल की बेल आइकन घंटी को बजा दें, जिससे आपको हमारी खेती संबंधित नई नई वीडियो समय समय पर मिलती रहे। तो सबसे पहले जानते हैं कवच फंगीसाइड के टेक्निकल नाम की। इसमें जो टेक्निकल चलता है वह है क्लोरो थालो नील 75% WP फॉर्म में आता है। ये क्रिया कैसे करता है, तो यह एक संपर्क क्रिया द्वारा फसल में फंगस को नियंत्रित करता है, अर्थात यह कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है। यह मुख्य रूप से फसल में फंगस की बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं यह कौन कौन सी फंगस की बीमारी को कंट्रोल करता है, तो मुख्य रूप से ब्लास्ट, रस्ट, ब्लाइट, पाउडरी मिल्ड्यू, ब्लैक रॉट, डाइवेक आदि फंगस की बीमारियों को यह कंट्रोल करता है। इसका छिड़काव कौन कौन सी फसल में मुख्य रूप से कर सकते हैं, तो मुख्य रूप से सोयाबीन, मूंगफली, कपास, मिर्ची, आलू, टमाटर, गिलकी, केला, अंगूर, सेव आदि फसल में कर सकते हैं। वहीं इसकी मात्रा की बात करें तो बताई गई फसल में 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। वहीं इसकी कीमत की बात करें तो 100 ग्राम का कवच बाज़ार में आपको 130 रुपये के लगभग तथा 250 ग्राम का कवच बाज़ार में आपको 300 रुपये के लगभग मिल जाएगा। वहीं इसके पैकिंग साइज़ की बात करें तो बाज़ार में आपको 100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम और 1 kg के पैक में मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, कैसी लगी वीडियो? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई सुझाव तो कमेंट दीजिए। जय हिंद, जय किसान।